हेलो मेरे बच्चे हो कैसे हैं आप मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूँ क्लास इलेवन फिजिक्स की इस लाइव क्लास में और प्यारे बच्चों आज से शुरू होने वाली है एनसीआरटी की सेकंड बुक एनसीआरटी की सेकंड बुक आज से स्टार्ट हो रही है यानी कि आपके चैप्टर एट तक फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है सेकेंड बुक में हम जो पहला चैप्टर आपके सामने आएगा वो है ठोसो का यांत्रिक गुण या ठोसो के यांत्रिक गुण कुछ भी कहा जा सकता है तो आज से यह चैप्टर शुरू हो रहा है और यह जो बुक है ये काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें चैप्टर क्या है छोटे छोटे चैप्टर हैं आसानी से जल्दी जल्दी ये कवर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं स्कोरिंग के हिसाब से ये अच्छी किताब है और इसके जो चैप्टर हैं काफ़ी आसान है बस थोड़ा सा यदि आप फोकस करेंगे क्योंकि इसमें इतने लंबे लंबे बड़े बड़े डायरेवेशन कुछ नहीं है इसमें छोटे छोटे डायरीवेशंस मिलेंगे आपको तो मजा आने वाला है आपको काम करने में दूसरी इंपॉर्टेंट बात काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर एन से पॉइंट नहीं मिल रहे हैं एन से पॉइंट नहीं मिल रहे हैं तो हम इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना यानी कि एनसीईआरटी की इस चैप्टर में जो पहला पॉइंट होगा नाइन पॉइंट वन नाइन पॉइंट टू नाइन पॉइंट थ्री उनको पॉइंट वाइज पढ़ाएंगे तो जो लोग एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगी ये वाली जो हमारी सीरीज होगी तो इससे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है हुक का नियम उसको स्टार्ट करें फटाक से चैट में बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है और प्यारे बच्चों फटाक से वीडियो को कर दीजिए शेयर वीडियो के लिंक को करिए शेयर क्योंकि यार आज से ये जो चल रही है सीरीज ये मैं कह रहा हूं बहुत अधिक फ्रूटफुल है आप लोगों के लिए तो वीडियो को शेयर कीजिए अरे बात ज्योतिका का मैसेज आ गया है सर ऑडियो वीडियो क्लियर है थैंक्स ज्योतिका इसके अलावा हमारे साथ अमित साहू जुड़ चुके हैं महेश पवार जुड़ चुके हैं हमेशा की तरह महेश का मैसेज आ गया है बहुत बढ़िया शिवम पटेल जुड़ चुके हैं आराधना जुड़ चुकी है सविता परिहार जुड़ चुके हैं मिस्टर शाबकिब जुड़ चुके हैं निहाल जुड़ चुके हैं निहारिका सिंह निहारिका सिंह जुड़ चुकी है रुचिका जुड़ चुकी है हीना खान जुड़ चुकी है सभी बच्चों का हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं साइको बॉय जुड़ गए हैं साइको बॉय के लिए गुड इवनिंग बेटा गॉड ब्लेस यू तो चलिए क्लास को डीले नहीं करते हैं स्टार्ट करते हैं मजा आने वाला है आपको क्योंकि एनसीईआरटी अब पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट हो रही है और साथ ही एनसीईआरटी के जितने आपके एग्जांपल्स होंगे उनको भी सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं इस चैप्टर का क्या इसका क्या मतलब है देखिए अभी तक हमने इससे पहले के दो चैप्टर पढ़े चैप्टर एट था हमारा गुरुत्वाकर्षण और चैप्टर सेवन था दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति हमने दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति में एक बात यह समझी थी कि किसी पिंड को यदि किसी अक्ष के परी घुमाया जाए तो अक्ष के परी घूर्णन गति कराने के लिए यह बात भी डिपेंड करती है वो कितनी तेजी से घूमेगा कि वहां उस पर जो द्रव्यमान का वितरण है वो किस प्रकार से है क्योंकि वहां आपने देखा था कि सरल रेखी गति में जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं घूर्णन गति में उसी को जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है और आघूर्ण में हमने ये प्रॉपर्टी पाई थी कि इसमें इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका द्रव्यमान किस प्रकार से वितरित है एक समान रूप से पिंड पर फैला हुआ है या कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है और इस आधार पर हमने देखा था समान द्रव्यमान के जो पिंड है उनके जड़ त्वागू अलग अलग हो जाते हैं यदि उनमें द्रव्यमान वितरण का प्रकार भिन्न है तो ये बात हमारी पुराने के चैप्टर की थी वहीं से आज की चीजों को हम स्टार्ट करेंगे तो इस चैप्टर में हम थोसो के यांत्रिक गुणों को पढ़ेंगे देखिए यांत्रिक शब्द का क्या अर्थ हुआ यांत्रिक शब्द का अर्थ यह हुआ आपने यांत्रिक ऊर्जा पढ़ा होगा जिसमें हम ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को समझते हैं तो ठीक वही प्रॉपर्टीज हमने यहां लेनी है कि हमारे पास कोई एक वस्तु है उसको हमने प्रेस किया उस पर फोर्स लगाया फोर्स लगाने से क्या चीजें फर्क में आएगी क्या उसके अंदर परिवर्तन होंगे उन्हीं गुणों को हम कहेंगे उसके क्या है यांत्रिक गुण है तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्टिव पार्ट को सबसे पहले हमने समझना है आखिर दृढ़ पिंड क्या होता है क्योंकि दृढ़ पिंड का मतलब होता है एक ऐसा ठोस पिंड एक ऐसा कठोर पिंड जिसकी कि कोई निश्चित आकृति तथा आकार हो निश्चित आकृति और आकार का अर्थ समझिए जब ये दो वर्ड आते हैं निश्चित आकृति निश्चित का मतलब है जो फिक्स है जो बदल नहीं सकती उसको ही हम क्या कह देते हैं निश्चित तो सबसे डिफाइन करते हैं तो कोई भी एक ऐसा पिंड जिसकी आपको लगता है आकृति और आकार बदल नहीं सकते निश्चित हैं उसी को हम नाम दे देते दृढ़ पिंड और एक और परिभाषा आपको पता होगी दृढ़ पिंडों की दृढ़ पिंड वे पिंड होते हैं जिस पर कि यदि हम बल लगाएं मान देते मैंने कोई एक पिंड बनाया ये जिन अणुओं से मिलकर के बना हुआ है उन अणुओं को मैं इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहा हूं चलिए इस प्रकार से हमने इनको व्यवस्थित कर दिया अब हम हमने कहा इस पर कोई एक बल लगा लेते हैं चलिए यहां से मैंने इस पर एक बल लगाया तो बल लगाने पे यदि इस ठोस जिसको मैं दृढ़ पिंड कह रहा हूं इसके अणुओं के बीच की स्थिति में अणुओं के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन ना हो तो हम कहेंगे ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं परिभाषा पता है यदि किसी पिंड पर वाह बल लगाने पर पिंड के अणुओं के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे तो ऐसे पिंड को हम नाम देते हैं दृढ़ पिंड और सेकंड डेफिनेशन आपके पास आ गई है कि एक ऐसा कठोर पदार्थ जिसकी निश्चित आकृति अथवा आकार हो उसे हम कहते हैं दृढ़ पिंड तो दोनों डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि ये दोनों चीजें आपकी आगे यूज होंगी इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूं तो चलिए अब सेकेंड चीज को समझते हैं दूसरा इसमें एक वर्ड इस चैप्टर में काफी आपका यूज होने वाला है जिसे कहते हैं विरूपक बल विरूपक बल जिसे इंग्लिश में डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है फॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लगता है तो वस्तु के रूप अथवा आकार आकृति अथवा आकार को परिवर्तित कर सकता है परिवर्तित कर देता है ऐसे बल को हम नाम देते हैं विरूपक बल। जैसे हमने कहा कि आपके पास कोई रबड़ बैंड लिया मैंने ये मैंने क्या ले लिया एक रबड़ बैंड ले लिया रबड़ बैंड अब इस रबड़ बैंड पर मैंने बल लगाया चलिए रबड़ बैंड पर मैंने इस दिशा में बल लगाया ऐसे बल लगा लिया एफ बल तो अब क्या हो गया रबड़ बैंड की आकृति परिवर्तित होगी पहले ये इतना छोटा था अब ये क्या हो गया होगा थोड़ा लंबा हो गया होगा यानी कि इसका आकार इतना बढ़ गया ये क्या होगी यहां से लेके यहां तक ये होगी लंबाई में वृद्धि लंबाई में वृद्धि लंबाई में वृद्धि होगी तो हम कहेंगे ये जो लगने वाला बल है जो इस रबड़ बैंड को खींच करके उसकी लंबाई में वृद्धि कर देता है इसी बल को हम नाम देंगे विरूपक बल यह वस्तु के रूप अथवा आकार को क्या कर सकता है बदलने की क्षमता रखता है तो बताइए क्या यहां तक क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ बैलून भी कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है आप यदि कोई एक बैलून ले लीजिए यह हमारे पास क्या है बैलून यानी कि जिसे हम कहते गुब्बारा इस पर भी यदि मैं यहां से एक फोर्स लगा लू एक फोर्स लगाऊं तो ये बैलून क्या होगा थोड़ा अंदर की ओर धस जाएगा ये इस तरीके से ऐसे करके ऐसे घूम जाएगा भले यहां से हो जाए तो ये जो बल लगा इसी बल को हम नाम देंगे विरूपक बल ये एफ बल बल क्या है विरूपक बल। ऐसे कह सकते हैं तो मुझे लगता है यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपकी ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा ये छोटी छोटी चीजों को यदि याद रखेंगे तो आगे डेफिनेशन बनाने में चीजों को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी ये बेसिक चीजों को जरूर समझिएगा चलिए अब आगे समझते हैं एक इसमें आता प्रत्यानन बल प्रतियानन बल को समझिए प्रत्यानन बल एक ऐसा बल है कि मान लो ये रबड़ बैंड था ये मेरे पास क्या था एक रबड़ बैंड था या ये बैलून था इस पर मैंने गुब्बारे पर क्या लगाया एक विरूपक बल लगाया जो इस गुब्बारे की आकृति अथवा आकार में परिवर्तन लाता है जब मैं गुब्बारे पर बल लगाता हूं तो गुब्बारे के अंदर एक नया बल या इस रबड़ बैंड के अंदर एक नया बल उत्पन्न हो जाता है जो कि इस विरूपक बल का क्या करता है विरोध करता है और इस विरूपक बल की विपरीत दिशा में काम करता है यह वाला बल कौन सा है इसको नाम देंगे हम विरूपक बल यह क्या है यह है विरूपक बल विरूपक बल तो हमने कहा ही किसी पिंड पर विरूपक बल लगाकर उसकी आकृति और आकार को आप बदलते हो ठीक उसी क्षण क्या होता है इस विरूपक बल के साथ ही एक नया बल उत्पन्न होता है जिसे हम नाम देते हैं प्रत्यानन बल प्रत्यानन बल तो प्रत्यानन बल का काम क्या है वस्तु को उसकी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानन बल को क्या नाम देंगे रेस्टोरिंग फोर्स और इसको क्या नाम लेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स तो विरूपक बल एक ऐसा बल जो वस्तु के रूप अथवा आकार या आकृतिक आकार में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है या कर देता है जबकि प्रत्यानन बल एक ऐसा बल जो कि विरूपक बल की विपरीत दिशा में काम करता है और वस्तु को उसकी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है ले भी आता है आपने देखा होगा रबड़ बैंड को पकड़ के खींचिए, जैसे ही आप उसको खींचने लगाए लगाए हैं, हैं। अपनी पूर्व अवस्था में, तो में आता है उसी को नाम देते प्रत्यानंद बल तो फटाक से बताइए क्या यह क्लियर हो गया रुचिका वर्मा कह रही सर मैं एमपी से हूं बेटा आपका स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है क्या ये क्लियर है सब चीजें फटाफट फड़ बताएंगे हम्म क्लियर होगी एक एक चीज को समझते हुए जाना ये चैप्टर मक्खन लगेगा आपको तो चलिए अब चलते हैं आगे अब हमें प्रत्यानन बल समझ में आ गया जिसे रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं जो वस्तुओं को उसकी पूर्व अवस्था में लाता है ओरिजिनल कंडीशन में लेकर के आता है ओरिजिनल स्टेट में लेकर के आता है अब वहीं पर हमने समझना लेना प्रत्यास्तता जिसे इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहा जाता है इलास्टिसिटी प्रत्यास्था प्रत्यास्तता वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं पर विरूपक बल लगा करके उनके रूप तथा आकार में परिवर्तन करने के पश्चात यदि विरूपक बल हटा लें तो वस्तुएं क्या होती है अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती हैं तो उस गुण को हम उसके प्रत्यास्तता का गुण कहते हैं मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी प्रत्यास्तता वस्तुओं का वह गुण है जो विरूपक बल के विरुद्ध कार्य करके वस्तुओं को उनकी ओरिजिनल स्टेट में पूर्व अवस्था में लेकर के आता है जैसे मैंने रबड़ बैंड का उदाहरण दिया रबड़ बैंड को पकड़ के आपने खींचा वो इतना इतने से इतना बड़ा हो गया जैसी हटा रहा वो अपनी पूर्व अवस्था में आ गया तो रबड़ बैंड के भीतर इस गुण को कि विरूपक बल हटाने पर वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा उसी गुण को हम नाम दे देते हैं प्रत्यास्थता का गुण और यही मुझे लगता है यहां पर पूरी की पूरी बात आपको समझा रही है तो प्रत्यास्थता क्या है आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में पूरी इसी चीज को हमने डील करना इसलिए परेशान होने की बात नहीं है आगे इसको बड़ी डिटेल में हम चर्चा करेंगे इसकी अभी मोटी मोटी चीजों को समझ रहे हैं केवल इंट्रोडक्टिव पार्ट समझ रहे पूछ लिया जाता है क्या होता है आकार अथवा आकृति में हुए परिवर्तन को प्रत्यास्त विरूपण कहते हैं विरूपक बल लगाया वस्तु क्या हो गई परिवर्तित हो गई मान लेते मैंने कोई एक स्प्रिंग ली ध्यान देना मैंने यहां पर कोई एक स्प्रिंग ली ये स्प्रिंग थी अब मैंने इस पर बल लगाया ये बल इस दिशा में लगाया अंदर की ओर लगाया ये वाली जो सतह थी ये किसी ठोस यानी कि किसी दीवार से जुड़ी हुई थी मैंने अंदर बल लगाया तो अब यह वस्तु कैसे बन गई ये वस्तु ऐसे हो गई ऐसे हो गई इसके छल्ले पास पास आ गए बस तो इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हो गया इतनी लंबी से यह इतनी हो गई यानी कि इतना डिफरेंस आ गया इसकी लंबाई में इसकी लंबाई इतनी कम हो गई क्योंकि बल की दिशा ये वाली थी विरूपक बल ये था तो हमने इस पर क्या लगा के रखा हुआ है बल लगा करके रखा हुआ है लेकिन जैसे इस बल को हटाता हूं यह वस्तु दोबारे से इस अवस्था को प्राप्त कर जाएगी और यही कहलाता है वस्तुओं की प्रत्यास्थता का गुण और प्रत्यास्थ विरूपण क्या हुआ यह जो इतना अंतर आ गया यहां से लेके यहां तक की लंबाई में कमी आ गई यही कहलाता है प्रत्यास्थ विरूपण प्रत्यास्त विरूपण तो मुझे लगता है यह टर्म भी आपको समझ में आ गई होगी आगे देखिए अगली अब हमें तीन बातों पर चर्चा करनी है एक प्रत्यास्तता पर एक दृढ़ पर और तीसरी है प्लास्टिक वस्तुएं तो सबसे पहला हम लेकर के चलेंगे कि सबसे पहला हम बात करेंगे आखिर दृढ़ पिंड क्या है दूसरी बात करेंगे कि आखिर प्रत्यास्त क्या चीज होती है यानी कि प्रत्यास्थता क्या है और तीसरा हम इंपॉर्टेंट चीज करेंगे जिसे हम करेंगे प्लास्टिक वस्तुएं क्या है प्लास्टिक वस्तुएं चलिए हम ऐसा करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं सबसे पहले समझते हैं प्लास्टिक वस्तुएं क्या है प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन पर की विरूपक बल लगा करके उनके हम रूप और आकार में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन विरूपक बल हटाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती है ऐसी वस्तुओं को प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं और उनके इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं मुझे लगता है समझ में आना चाहिए आपने देखा होगा किसी प्लास्टिक को लीजिए और उसको पकड़ के आप मोड़ दीजिए संभव तो वो वैसे ही मुड़ा हुआ रह जाता है और यदि इसका सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल देना है प्लास्टिक वस्तुओं का तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो हम कहते हैं गीली मिट्टी गीली मिट्टी या आप कह सकते हैं मोम गीली मिट्टी लीजिए और उस पर एक बार उंगली धसा दीजिए आप देखोगे कि वहां उस जगह पर उंगली धसी की धसी रह जाती है उंगली निकाल लीजिए वहां पर छेद हो जाएगा वो अपनी पूर्व अवस्था पे नहीं आएगी गीली मिट्टी यानी कि उसी गुण को हम क्या कह रहे हैं उसके प्लास्टिक वस्तु भी कहते हैं तो क्या यहां तक क्लियर हुआ क्या यहां तक क्लियर हुआ फटाफट फटाफट महेश कह रहे हैं कि सर जो भी एग्जांपल कराए उससे पहले ये बता देना फॉर्मूला क्या बेटा इसमें बड़ा सिस्टमेटिक है आपको टॉपिक के बाद ही नुमेरिक एग्जांपल मिल जाएगा न्यूमेरिकल के रूप में तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा मोम भी समझ में आ गया होगा कोई गीला मोम लीजिए पिघलावा मोम लीजिए उसको उंगली से दबा दीजिए वो वैसे ही दबा हुआ रहता है उसमें उभार दोबारे से निकल के नहीं आता ऐसी वस्तुओं को प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं और उनके इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं दूसरा आ गया प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता क्या होता है वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वस्तु से विरूपक बल हटाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है ऐसी वस्तुओं को प्रत्यास्त वस्तुएं और उनके इस गुण को प्रत्यास्थता कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए जैसे रबड़ हो गया स्टील हो गया आदि जितनी है यह सब चीजें आ जाएगी अब सबसे ऊपर आता है दृढ़ पिंड अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुझे चैट में आपने आंसर देना है कि जो दृढ़ पिंड होंगे वो किस कैटेगरी में आते हैं दृढ़ पिंडों की कौन सी कैटेगरी है क्या वो प्रत्यास्थता की श्रेणी में आते हैं या अप्रत्यास्थता की श्रेणी में आते हैं चलिए प्लास्टिसिटी को छोड़ दीजिए मैं आपसे केवल यह प्रश्न पूछ रहा हूं क्या दृढ़ पिंड प्रत्यास्त कहलाते हैं जल्दी से मुझे यह बताइए क्या दृढ़ पिंड प्रत्यास्त पिंड होंगे जल्दी से जल्दी से क्या ये दृढ़ पिंड प्रत्यास्त पिंड कहलाएंगे हम्म बहुत बढ़िया शिवम पटेल बहुत बढ़िया बेटा आप प्रॉपर्टीज लिख रहे हो चैट में बहुत अच्छी बात है हम्म दृढ़ पिंड मतलब सॉलिड्स ठीक है बिल्कुल सही कह रही है प्रियांशु सही कह रहा है सॉलिड हम्म हाँ ठीक है देखिए मिले जुले आंसर आ रहे हैं भावेश कुमार कह रहे हैं नहीं कुछ कह रहे हैं हाँ सर आ रहे हैं ठीक है कुछ मैक्सिमम बच्चे हां कह रहे हैं अब मेरी बात को समझना दृढ़ पिंड की तो पहली कंडीशन यह है कि यदि उस पर वाहे बल लगाया जाए तो पिंड की स्थिति में उसके आकार में उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई जब दृढ़ पिंड के आकार रूप में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं इसका मतलब विरूपक 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 बल 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 आपने आपने लगाया तो नहीं लेकिन लेकिन लगा दिया दृढ़ पिंड पर वह उसके रूप आकार को परिवर्तित नहीं कर पा रहा है तो दृढ़ पिंड तो प्रत्यास्तता तो की श्रेणी में आएंगे नहीं बात समझिए ना जब विरूपक बल वस्तु को विरूपित कर ही नहीं रहा है उसके रूप आकार को परिवर्तन कर ही नहीं पा रहा है तो वस्तु के भीतर प्रत्यानन बल क्यों उत्पन्न होगा आप कभी आप एक बात देखना कि आपका किसी से लड़ाई हो रही है मान लो ठीक है अब उसने आपका हाथ पकड़ लिया जोर से और जोर से पकड़ के पकड़कर मोड़ना शुरू करा तो जैसे जैसे वो आपके उसमें बल लगाता है आपके भीतर से उसी हिसाब से गुस्सा डेवलप होना शुरू हो जाता है आपके अंदर से उसी हिसाब से क्या होता है क्रोध उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और कभी कभी एकदम झटक के आप अपने हाथ को पूर्व अवस्था में ला करके प्रतिक्रिया भी दे देते हैं लेकिन हम यहां दृढ़ पिंडों की बात कर रहे हैं दृढ़ पिंड का मतलब है जिसके भीतर आणविक स्तर पर कोई परिवर्तन न हो तो दृढ़ पिंड प्रत्यास्थ पिंड नहीं हो सकते लेकिन मजे की बात यह है कि कोई भी पिंड पूर्ण रूप से कभी भी दृढ़ पिंड होता ही नहीं है आप कहोगे सर पत्थर एक दृढ़ पिंड है कितना ही जोर लगाएं पत्थर पर फर्क नहीं पड़ता लेकिन यदि आप कभी ऐसे रास्तों पर चले हो जहां पर पथरीला रास्ता हो और वहां पर लोग रोज गुजरते हैं तो आप देखोगे फुटप्रिंट तक पत्थरों के ऊपर आ जाते हैं पत्थरों के ऊपर पैरों के निशान आ जाते हैं इसका अर्थ है कि पत्थरों के भीतर भी ऐसे दृढ़ पिंडों पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बल कार्य करके उनको विरूपित कर देता है तो मेरे यहां पर इस बात को समझाने का अर्थ है कि कोई भी पिंड आदर्श रूप से दृढ़ पिंड नहीं होता कोई भी पिंड कोई भी पिंड पूर्णतः दृढ़ पिंड नहीं होता दृढ़ पिंड नहीं होता दूसरी बात कोई भी पिंड पूर्ण रूप से प्रत्यास्त पिंड भी नहीं होता आपने रबड़ बैंड को खींच करके छोड़ दिया आपने कहा आ गया पूर्व अवस्था पे लेकिन यदि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो आप देखोगे पिंड पर थोड़ा सा परिवर्तन आ गया उसकी लंबाई में बहुत कम वृद्धि हो गई लेकिन वृद्धि जरूर हो गई तो कैसे पता चलता है आपको वृद्धि हुई इसी खींचने की प्रक्रिया को पचास बार करिए आप देखोगे इतना सा रबड़ बैंड थोड़ा लंबा हो जाएगा यानी कि हर बार खींचने में उसकी लंबाई में कुछ ना कुछ वृद्धि हुई होगी इसका मतलब रबड़ बैंड भी पूर्ण रूप से प्रत्यास्त नहीं है अब तीसरी चीज आ जाइए प्लास्टिक वस्तुओं की प्लास्टिक वस्तुएं मतलब विरूपक बल लगाया तो वस्तु के रूप आकार में परिवर्तन हो गया विरूपक बल हटाया तो वस्तु अपनी अवस्था पर नहीं आ रही है लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पूर्ण रूप से प्लास्टिक हो आप गीली मिट्टी पे भी उंगली लगा के धसाते हो तो उंगली हटाने पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो वह मिट्टी के छोटे छोटे गीले कण भी अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो पूर्ण रूप से वो भी प्लास्टिक नहीं है तो ध्यान रखना ये जो मैंने तीनों कैटेगरीज बताई है इनमें से कोई कैटेगरी ऐसी नहीं है जो सौ अपनी डेफिनेशन का पालन करती हो ना कोई सौ प्रतिशत हंड्रेड प्रतिशत या आदर्श रूप से दृढ़ पिंड होता है ना आदर्श रूप से प्रत्यास्थ वस्तु होती है और न आदर्श रूप से प्लास्टिक वस्तुएं होती है अब बताइए क्या इतनी चीजें समझ में आ गई एक बच्चा हमारा कह रहा है सर लेने दीजिए मेरा बच्चा जितने भी आपके आप चाहो तो ले सकते हो लीजिए मैं हट भी गया स्क्रीनशॉट लेंगे वन टू थ्री फोर लेकिन मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चे कि इसके पूरे पीडीएफ नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में ये पूरे क्लास के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए दीवाने पर हमारे सारी सारी पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है जब चाहे आप उसको डाउनलोड कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए हम्म ठीक है अजय बघेल कह रहे हैं मैं एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं बेटा एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो क्लास इलेवंथ की फिजिक्स और ट्वेल्थ की फिजिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए सीआर को घोट के पी जाइए जरा सिलेबस देखना जरा एयरफोर्स का साफ साफ लिखा हुआ है एनसीआर क्लास इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ टोटल सिलेबस वही है वो तैयार तो सब तैयार तो ठीक है मुझे लगता है ये तो क्लियर हो गया होगा चलिए अब चलते हैं आगे अब है ठोसों का प्रत्यास्त व्यवहार की हम थोड़ी सी क्या करते हैं स्टडी करते हैं कि भाई ऐसा क्या कारण है कि, कि किसी वस्तु को हम दबाते हैं या स्प्रिंग को दबाते हैं तो क्या हो जाती है अपनी पूर्व व्यवस्था को प्राप्त कर लेती है तो इस चीज को समझने के लिए हम एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं मैंने यहां पर क्या करा एक फिर से एक दीवार ले ली और इस दीवार के साथ मैंने क्या कर दिया एक स्प्रिंग बना दी स्प्रिंग के छल्ले बना दिए यह बना दिया और यहां पर मान लेते मैंने एक पिंड भी लगा दिया चलिए यह इसकी नॉर्मल स्टेट थी सामान्य अवस्था थी अब मैंने क्या करा इस पर सबसे पहले अंदर की ओर बल लगाया मैंने क्या करा एक विरूपक बल लगाया जो इस दिशा में लग रहा है अंदर की ओर लगा जब अंदर की ओर लगेगा तो अब ये स्प्रिंग के छल्ले कैसे हो जाएंगे ध्यान देना मेरी बात पे। काफी नई चीजें समझ में आएगी इससे आपको ये छल्ले इस प्रकार से एक दूसरे के समीप आ जाएंगे ये इतने समीप आ गए और ये पिंड यहां पर आ गया तो अब हम कहें कि इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हो गया तो आपने कुछ नहीं करना है केवल इसका मध्य बिंदु ले लीजिए और इसका मध्य बिंदु ले लीजिए इनके जो बीच की जो दूरी होगी यही दूरी क्या हो गई इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया अब मेरी बात पर ध्यान देना जब तक आपने विरूपक बल लगा रखा है ये स्प्रिंग के छल्ले एक दूसरे के पास पास रहेंगे स्प्रिंग के छल्ले क्या करेंगे एक दूसरे छल्ले को बल लगा के दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं यानी कि यह वाला छल्ला इस वाले छल्ले पर बल लगा रहा है इस दिशा में और यह वाला छल्ला इस पर बल लगा रहा है इस दिशा में छल्ले एक दूसरे को दूर धके रहे हैं कि चल भाई दूर हो जा पास जाता जितनी दूरी पहले थी उतनी बना के रख तो ये एक दूसरे को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं और जैसे ही आपने ये विरूपक बल हटाया ये दोबारा से इस स्टेज में आ जाते हैं पहली बार दूसरी बार हमने क्या करा सेकेंड बार में ये हम पहला केस ले रहे हैं पहली बार बल इस दिशा में लगा अब दूसरा केस ले रहे हैं मैंने कहा बल इस दिशा में लगा दिया ये दूसरा केस ले लिया जब दूसरा केस ऐसे लिया तो दूसरी स्थिति क्या बनेगी यहां पर ध्यान देना अब की बार ये छल्ले और फैल जाएंगे एक दो तीन चार पांच छ सात इस तरीके से यहां पर हमने क्या बना लिया एक पिंड बना लिया तो अब देखिए छल्लों के बीच की दूरी बढ़ गई है अब फिर से ये छल्ले क्या कर रहे हैं पहले ये छल्ले जब पास पास आए थे तो दूर धकेल रहे थे एक दूसरे को अब की बार ये दूर दूर चले तो ये एक दूसरे को पास लाने का प्रयत्न कर रहे हैं यानी कि ये छल्ले अब की बार कैसा बल लगा रहे हैं ये वाला इसकी तरफ खींचना चाह रहा है और यह वाला इसकी तरफ खींचना चाह रहा है ये एक दूसरे के समीप आने की कोशिश कर रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले ये एक दूसरे को दूर धकेल रहे थे कि चल भाई दूर हट लेकिन अब यह क्या कर रहे हैं एक दूसरे के पास आने का प्रयत्न कर रहे हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो छल्ले हैं जो इनकी पहली स्थिति थी ये जो शुरुआती स्थिति थी हर स्थिति में यह उसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं यानी कि जब पास पास लाएंगे तो भी ये ऐसे जाना बनना चाहते हैं और जब इनको दूर दूर करा तो भी ये ऐसे ही बनना चाहते हैं और यही गुण होता है हमारा ठोसों के भीतर यदि ठोसों को आणविक स्तर पर उनकी स्टडी की जाए णुक स्तर पर जाया जाए कि ठोस जिन अणुओं से मिलकर के बना है उनके स्ट्रक्चर की यदि स्टडी की जाए तो अणुओं के बीच ठीक ऐसे ही बल काम करते हैं जब आप किसी ठोस को धकेलते लेते हैं प्रेस करते हैं तो उसके अणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं अब अणु चाहते हैं वो एक दूसरे से दूर हटे तो वो एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगाते हैं और यदि आप किसी वस्तु को किसी ठोस को पकड़ के उसकी लंबाई में वृद्धि कर रहे हो उसकी आकृति में विस्तार कर रहे हो तो उस पर इस प्रकार से बल लगता है और ठोस के अणु एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर के फिर से अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और यही ठोसों का क्या है प्रत्यास्त व्यवहार है जिसको हम आणविक आधार पर समझते हैं किस आधार पर आणविक आधार आणविक आधार पर इस आधार पर इसको समझा जाता है मोलिकुलर लेवल पर जाकर के समझा जाता है क्या यह क्लियर है यहां पर कौन सा बल लग रहा है प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षण बल और यहां पर कौन सा लग रहा है आकर्षण बल तो अब इसी चीज को एक हम कह सकते हैं एक लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं तो चलिए यहां पर हमने एक ये चीज आपके सामने ली है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये स्प्रिंग लगे हुए हैं देखिए ये हम कह सकते हैं ये जो गोले नीली नीले दिखाई दे रहे हैं ये अपने आप में क्या है मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है ये हमारे क्या है अणु है अणु है और ये जो आपको बीच की स्प्रिंग दिखाई दे रही है ना ये वाली स्प्रिंग इस स्प्रिंग को दूसरे कलर से ले लेते हैं ये जो स्प्रिंग आपको दिख रही है ये स्प्रिंग इनके बीच में लगने वाला बल है लगने वाला क्या है बल है दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल एक ऐसा बल जो एक अणु को दूसरे अणु से एक निश्चित दूरी पर रखता है शब्द पे ध्यान देना एक अणु किसी भी ठोस के भीतर जो ठोस की संरचना होती है उसमें जो अणु होते हैं वो दूसरे अणु को अपने से एक निश्चित दूरी पर रखने का प्रयत्न करते हैं कोशिश करते हैं अब यदि आप बाहर से इन्हें पिचकाते हो तो यह पास जाता है लेकिन फिर यही बल उसको अपनी पूर्व अवस्था में लाने के लिए प्रतिकर्षित करता है धक्का मारता है विपरीत दिशा में जैसे कि हमने यहां पर बताया था और यदि आप इस वाले को, अणु को पकड़ के आवश्यकता तो नहीं पड़ोसी होते हैं ना बिल्कुल पड़ोसियों का एग्जाम्पल है यार आपने देखा होगा कुछ पड़ोस के मित्र बने हुए होते हैं अब वो रोज क्या करते हैं अपनी बालकोनी में बाहर आते हैं और एक दूसरे से गपशप मारते हैं अब क्या ऐसा संभव है कि एक पड़ोसी कहे यार मैं तेरे से बहुत पक्का तेरा दोस्त बन गया कि चल मैं तेरे घर पे आकर के ठहरता हूं तो क्या आप ऐसा चाहोगे क्या आप चाहोगे आपका पड़ोसी आप ही के घर में आकर के ठहर जाए क्योंकि आपकी उसकी दोस्ती तो बड़ी घनिष्ठ है लेकिन आप ऐसा नहीं चाहोगे आप चाहोगे वो अपने घर पर रहे और यदि आपका वो परम मित्र आपका पड़ोसी कहीं दूर चले जाए तो आप सोचोगे यार मन दुखी हो जाएगा या किसी तरीके से मेरे समीप में आ जाता मेरे पास में आ जाता तो फिर से हम गपशप मारते मजे करते हमारा टाइम अच्छा स्पेंड होता तो आप चाहते हो कि वो आपसे एक प्रॉपर डिस्टेंस पर रहे ना तो आपके घर आए और न वो अपना घर छोड़ करके आपसे दूर जाए तो ठीक वही कंडीशन यहां पर अणुओं के बीच में समीप आएंगे तो प्रतिकर्षण बल दूर जाएंगे तो आकर्षण बल काम करें क्या क्लियर हो गया क्या ये क्लियर हो गया बच्चों फटाफट हम्म अमित यादव कह रहे हैं सर एनसीईआरटी के टॉपिक विद एक्सरसाइज करवा लीजिए प्यारे बेटा अमित यादव आप यूट्यूब पर हमारे जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है वो अवेलेबल हैं आप जाकर के देखिए यदि मैं यहाँ एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करवाना शुरू कर दूंगा तो यकीन मानिए दो चैप्टर भी दिसंबर तक पूरे नहीं होंगे क्योंकि एक एक चैप्टर में पैंतीस पैंतीस चालीस चालीस न्यूमेरिकल है बच्चा और चालीस न्यूमेरिकल एक क्लास में मुश्किल से तीन से चार न्यूमेरिकल होंगे तो आप सोचिए कितनी लंबी लंबी क्लासे हो जाएंगी तो अगर आपको एनसीआरटी के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए मेरे जो पहले वीडियो है 99 के व्हाइट बोर्ड के उसमें देखिए आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेंगे सॉल्यूशन तो वैसे ही होंगे उसमें कोई नया तरीका नहीं हो सकता पढ़ाने में नया तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में नाइनटी परसेंट सेम मेथड यूज होता है टेन परसेंट थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए ठीक है बहुत बढ़िया तो चलिए अब चलते हैं आगे अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रतिबल तथा विकृति प्रतिबल तथा विकृति को ध्यान से समझिएगा जब हम प्रतियास्तता की बात करते हैं तो उसमें दो शब्द आते हैं प्रतिबल और विकृति इन दोनों को डिफाइन करेंगे प्रतिबल को हम कहते हैं स्ट्रेस और विकृति को कहते हैं स्ट्रेन तो क्या चीजें हैं सबसे पहले समझिए जिसको हम कहेंगे प्रतिबल प्रतिबल क्या होता है सामयावस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक एक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं यानी कि कोई एक वस्तु है मान लो मेरे पास एक रबड़ की गद्दी है ऐसे इस रबड़ के पैड पर मैंने ऊपर से एक बल लगाया।, ये एफ बल लगाया तो बल लगाने पर इसका आकार थोड़ा सा घट गया इसका आकार थोड़ा ऐसा हो गया यह ऐसे में परिवर्तित हो गया तो इसके एकांक एक क्षेत्रफल पर जो बल लगा उसी को हम कहेंगे प्रतिबल तो यानी कि प्रतिबल बराबर होता है प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल यानी कि बल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एफ क्षेत्रफल के लिए ए तो प्रतिबल बराबर हो गया एफ बटे ए क्या आ गया प्रतिबल बराबर आ गया एफ बटे ए सूत्र हो गया, गया प्रतिबल का आपको पता होना चाहिए अब आता थी इसका मात्रक क्या होगा इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन बल का मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर फटाफट जो बच्चे जानते हैं बीमा निकालना मुझे प्रतिबल की बीमा निकाल करके दिखाएंगे फटाफट फड़ चैट में लिख के बताओ सर ये बीमा होती है जब तक मैं निकाल रहा हूं आप भी बीमा निकालिए अब है बीमा क्या होगी तो पहली बात तो ये प्रतिबल एक कैसी राशि है यह अधिश राशि है यह अधिश राशि है एक प्रकार से यह अधिश राशि है और दूसरी बात हम कहें कि यह क्या हो जाएगा हमारा इसकी बीमा यदि निकाली जाए तो क्या हो जाएगा बल यानी कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर न्यूटन की विमा होती है एम एल टी माइनस टू कई बार समझाइए बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण द्रव्यमान की विमा एम और त्वरण की एल टी माइनस टू बटे क्षेत्र मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल की विमा क्या आ जाएगी क्षेत्रफल की विमा आएगी एल स्क्वायर एल स्क्वायर ये आ जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगी विमा एम तो ऐसे कैसा आएगा एल है यहां से ऊपर जाएगा नीचे के माइनस दो और ऊपर का प्लस एक तो माइनस वन टी ऐसे कैसा रहेगा माइनस टू और ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी ये निकल जाएगी प्रतिबल की विमा। एम एल माइनस वन टी माइनस टू दीपक कुमार परफेक्ट बहुत बढ़िया अमित यादव परफेक्ट बहुत अच्छा अतुल कुमार बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया हम्म बहुत बढ़िया महेश पवार शिवम पटेल बहुत बढ़िया अरे लग रहा है यार बच्चे हमारे कर रहे हैं कुछ जबरदस्त कर रहे हैं बहुत बढ़िया बेटा ऐसी तैयारी करनी है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रतिबल के बारे में चलिए अब दूसरी चीज को समझते हैं, हैं, समझते हैं 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 विकृति विकृति जिसे हम कहते स्ट्रेन उसको वस्तु के एकांक आयतन में आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ मान लेते हैं कोई मेरे पास एक वस्तु थी ये मेरे पास एक वस्तु थी जिसकी लंबाई प्रारंभ में एल थी ध्यान देना इस पर मैंने बल लगाया इस दिशा में एक फोर्स लगाया जिसके कारण इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो गई और इसकी लंबाई इतनी बढ़ गई इतनी तो लंबाई में यह वाली वृद्धि को मैं डेल्टा एल से प्रदर्शित करता हूं तो विकृति क्या हुई विकृति का मतलब होता है अगर इस केस में कहूं तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई प्रारंभिक लंबाई ये हम कह सकते हैं तो विकृति बराबर है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इस केस में डेल्टा एल बटे क्या आ जाएगा एल अब एक बात ध्यान रखना ये मान लो विकृति है अब ये केवल लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई नहीं आएगी ध्यान रखना यदि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल यदि आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन इस तरीके से आपने इसको लेना है तो यह हमारी क्या होगी विकृति अब विकृति का हम कहें मात्रक क्या होगा और बीमा क्या होगी दोनों चीजें मुझे चैट में लिखकर चाहिए बताओ विकृति का मात्रक और बीमा मुझे चैट में लिख करके बताइए फटाफट फटाफट जल्दी से जल्दी से देखिए कितने बच्चे इस चीज को समझते हैं हम्म देखिए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हम्म, नहीं पता शिवानी कुमारी कह रही है नहीं पता हाँ अरे बेटा सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है एक इसका मात्रक और विमाही तो पता नहीं है नहीं पता हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही महेश पवार ठीक कह रहे हैं मात्रकहीन और विमाहीन राशि है अरे भाई ऊपर भी लंबाई लंबाई का मात्रक मीटर नीचे भी लंबाई का मात्रक मीटर तो मीटर से मीटर कट गया तो ये क्या है एक लंबाई हीन यानी कि हम कह सकते हैं विमाहीन मात्रकहीन राशि लिखेंगे मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि विमाहीन राशि न तो इसकी कोई मात्रक होता है ना इसकी कोई विमा होती है ये इसकी खास बात अरे यार जब आपको तो फार्मूला पता है तो कोशिश तो करा करो सारी चीजें पूर्व ज्ञान पर आधारित थोड़ी सोचोगे कि हमने कभी विकृति पढ़ी नहीं तो सर हम कैसे बताएं ऐसे नहीं होगा सोचो दिमाग लगाओ साइंसाइट के स्टूडेंट हो आप लोग आपको अपने दिमाग का हंड्रेड यूज करना है कि सोचना है कि जो चीज दे रखी है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा हुआ है तो क्या संभावना हो सकती है इन चीजों को तलाशा को तो चलिए मुझे लगता है विकृति आपको समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं अब हमने प्रतिबल और विकृति को समझ लिया कि आखिर क्या होता है अब हमने प्रतिबल और विकृति के अलग अलग रूप देखने हैं इनके मुख्य रूप से तीन अलग अलग रूप होते हैं कि जैसा आप प्रतिबल लगाएंगे उसी तरीके की विकृति उत्पन्न होती है तो सबसे पहला जो हम समझेंगे वह है तनन अथवा अनुधैर्य प्रतिबल यानी कि जिसमें के लिए लॉगेटिटूनल स्ट्रेस या तनन यानी कि स्ट्रेस वाला प्रतिबल एक और अनुधैर्य मतलब लंबाई की दिशा में तो परिभाषा क्या होगी ध्यान से समझना कि किसी वस्तु पर अनुप्रस्थ परिच्छेद की लंबवत दिशा में बल लगाकर उत्पन्न प्रतिबल को तनन अथवा अनुधैर्य प्रतिबल कहते हैं अब इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखना प्रतिबल हमेशा हम कह सकते हैं एक प्रत्यानन बल होता है यह मैंने आपको डेफिनेशन में बताया क्या बताया प्रतिबल वस्तु के भीतर वस्तु के भीतर उत्पन्न प्रत्यानन बल है प्रत्यानन बल होता है तो इन सब डेफिनेशन में आप यह बात ध्यान रखेंगे इसको मत भूल जाना तो अब इस चीज को कैसे समझेंगे हमने कहा फिर से वही वाला एग्जाम्पल ले लिया हमने कहा कोई एक वस्तु थी एक तार ऐसी थी इस तार पर मैंने क्या था इसकी प्रारंभ में लंबाई L थी मैंने इस पर एक वेट बढ़ा दिया यहां पर एक भार लटका दिया इस तरीके से ये डब्लू भार लगा दिया जिसके कारण इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई अरे भाई भार लटकाएंगे तो एक भार बल लगेगा ना और उस भार बल की डायरेक्शन क्या होगी नीचे की ओर जिसके कारण ये तार थोड़ा सा लंबा होकर के इतना लंबा हो गया इतना हो गया तो ये क्या है लंबाई में वृद्धि है डेल्टा एल तो ये जो बल लग रहा है ये लग रहा है हम कह सकते अभिलंबित बल लग रहा है अनुधैर्य बल लग रहा है जो इसकी लंबाई में वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहा है और ऐसे बल को हम अनुधैर्य प्रतिबल कहेंगे तो अनुधैर्य प्रतिबल बराबर क्या होगा ध्यान रखना अनुधैर्य प्रतिबल सूत्र वही होगा बल बटे क्षेत्रफल के ही बराबर होगा कोई अन्य नई चीज नहीं होगी तो यदि किसी वस्तु पर कोई अभिलंबत ऐसा बल लगाया जाए तो जो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन कर पाए अब आप सोचो सर नीचे क्यों लगा रहे हो इसको ऊपर से हाथ रख के ऐसे दबा देते हैं ना तो भी तो लगेगा आपने लोहे की एक छड़ ले ली और दोनों तरफ से मशीन में डाल करके प्रेशर लगाएं तो लोहे की छड़ थोड़ी सी उसकी लंबाई कम हो जाएगी तो वो भी तो हो सकता है तो वैसा भी संभव है तो अनुधैर्य प्रतिबल बराबर हो गया बल बटे क्षेत्रफल प्रतिबल के कारण जो विकृति उत्पन्न होती है उस विकृति को हम क्या नाम देते हैं उसको नाम देते हैं विकृति। और विकृति क्या है यहां पे लिख लेते हैं। अनुधर्य विकृति जो कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था ये होती लंबाई में वृद्धि लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई प्रारंभिक लंबाई और इसी को हमने लिखा था डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन वृद्धि कह लीजिए या परिवर्तन कह लीजिए बटे प्रारंभिक लंबाई क्या हो गई एल ये हो गया अनुधर्य विकृति आप जब हम हुक्का नियम पढ़ने के बाद आगे तीन टाइप्स के करेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक दृढ़ता गुणांग आयतन प्रत्याशा गुणांग जब उनकी चर्चा करेंगे तो वहां केवल इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे अनुधैर्य प्रतिबल तथा अनुधर्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्याशा गुणांक कहते हैं वहां केवल इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो शब्द आपको अभी पता चल जाना चाहिए कि किसका क्या अर्थ है अगर यह ऐसा नहीं आएगा तो मुझे लगता नहीं आपको आगे जाकर के इन वर्ड्स का ही यूज होना है केवल वहां पर यह डेफिनेशन कभी नहीं आएंगे पूरी की पूरी हाँ महेश कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं परफेक्ट कह रहे हैं तो ये हमारा क्या आ गया अनुधैर्य प्रतिबल लगाने पर अनुधर्य विकृति कैसे उत्पन्न होगी ये मैंने आपको समझा दिया अब चलते हैं आगे दूसरा होता है अभिलंब प्रतिबल अभिलंब प्रतिबल मतलब जो पृष्ठ के अभिलंब सब दिशाओं से लग रहा है उसे कहते हैं अभिलंब प्रतिबल और यह वस्तु पर सब दिशाओं से एक समान रूप से अविलंब लग रहा है एग्जाम्पल को समझिए मान लेते हैं मैंने क्या करा एक इस तरीके से एक बैलून ले लिया ये क्या है एक गुब्बारा है यह पूरा का पूरा फैला हुआ होगा इसे मैंने क्या करा जल के भीतर डाल दिया ऐसे जल के भीतर डाला इसमें जल भर रखा है यह जल भर दिया इस तरीके से तो अब जल आप जानते हैं द्रव दाब आपने पढ़ा हुआ है नाइन्थ टेंथ में तो द्रव जो होगा जो जल होगा इस गुब्बारे पर सभी दिशाओं पर दाब डालेगा यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर बल लगाएगा और उस बल की डायरेक्शन क्या होगी उस बल की डायरेक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं यह कलर ले, ले लेते हैं ये इस तरीके से काम करेगा वो इस तरीके से काम करेगा तो यह जो लगने वाला बल है यह अभिलंबत प्रतिबल है यह सब दिशाओं से समान काम करेगा जिसके कारण इसका आयतन परिवर्तित हो जाएगा जो पहले ऐसे गोला था द्रव के भीतर वो थोड़ा सा सिकुड़ करके अब वो ऐसे बन जाएगा ऐसा हो जाएगा तो प्रारंभ में इसका आयतन कितना था वी मान लेते हैं प्रारंभ में आयतन प्रारंभ में आयतन क्या था वी और आयतन में परिवर्तन आयतन में परिवर्तन कितना बदल गया तो पहले वाले आयतन में से बाद वाले आयतन को घटा दीजिए तो आयतन में परिवर्तन हम मान लेते हैं डेल्टा भी है तो अब हम कहें अभिलंबत प्रतिबल तो समझ में आ गया कि अभिलंबत प्रतिबल बराबर हो गया अभिलंबत प्रतिबल सूत्र हमेशा वही रहेगा बस क्या होगा लगने वाले जो बल है या दाब है उसका तरीका बदल जाएगा बाकी फार्मूला वही रहेगा बल बटे क्षेत्रफल तो ये अभिलंबत प्रतिबल हो गया और इस प्रतिबल को हम एक और नाम देते हैं जिसको कहते हैं जलीय प्रतिबल भी नाम देते हैं क्योंकि जल के भीतर हम इस चीज को समझते हैं इसलिए इसको कहते कहते हैं हैं जलीय प्रतिबल क्लियर होगी बात और इसके कारण जो विकृति उत्पन्न होती है उसको आयतन विकृति क्योंकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो क्या आ जाएगा ये हमारी क्या हो होगी आयतन विकृति होगी आयतन विकृति का सूत्र हम जानते हैं यहां पर लिख लेते हैं आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन डेल्टा भी बटे प्रारंभिक आयतन क्या गया भी। अब यदि आयतन में परिवर्तन माइनस में है तो माइनस ले लेना और प्लस में होगा बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव ले लेना तो इन चीजों को हम बाद में समझेंगे तो ये हमारा क्या है कि अभिलंबत प्रतिबल लगाने पर हमेशा आयतन विकृति ही उत्पन्न होगी कोई दूसरी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होगी बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर क्या आवश्यकता है इसको पढ़ने की बेटा आगे के चैप्टर में यही चीजें एक्सपेंड में आपके सामने आई है इन्हीं को हमने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है तो यही समझ जाओ कि अभिलंबत जो प्रतिबल है वो तीन प्रकार का है और प्रत्येक प्रतिबल के कारण जो विकृति उत्पन्न होगी वो अलग है तो आपको आगे बहुत सरलता होगी चैप्टर को समझने में तो चलिए मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा अब चलें आगे और अब आगे समझना है अपरूपण या स्पर्श रेखी प्रतिबल काफी इंपॉर्टेंट है काफी मजेदार है मैंने क्या करा एक इस तरीके से एक बेलन ले लिया ये एक बेलन बना दिया हमने ऐसा अब हमने क्या करा इस बेलन पर एक हाथ ऊपर रखा एक हाथ नीचे रखा नीचे वाले हाथ को इस दिशा में और ऊपर वाले हाथ को इधर गए और नीचे वाले हाथ को इधर गए यानी कि बल कैसे लगाया ऊपर वाले पृष्ठ पर इस दिशा में बल लगाया और नीचे वाले पृष्ठ पर इस दिशा में बल लगाया तो इससे यह बेलन क्या होगा इसके नीचे का सिरा ऐसे रहेगा ऊपर का सिरा थोड़ा खिसक जाएगा तो यह किस रूप में परिवर्तित होगा यह बेलन ऐसे बन जाएगा यानी कि इस बेलन को मैं बनाऊ यह हो गया यह हो गया यह हमने कहा बेलन ऐसे बन जाएगा तो पहले इसका यह पृष्ठ बिल्कुल सीधा रहा होगा ना पहले यह सीधा रहा होगा यहां रहा होगा अब ये इतनी दूरी खिसक गया तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मान लेते हैं ये कितना है डेल्टा इस बेलन के प्रारंभिक में लंबाई कितनी थी एल थी तो ये जो बल लगा ये जो फोर्स लगा इसी को हम कहते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपण अपरूपण प्रतिबल अपरूपण का मतलब हुआ यह इसके रूप को बदल रहा है इसके आयतन को परिवर्तित नहीं कर रहा है आयतन वैसा का वैसा है केवल इसका रूप बदल गया एक और अच्छा एग्जाम्पल है आपके घर में कोई मोटी सी किताब पड़ी हुई होगी उसको किसी टेबल पर रखना और टेबल पर रखने के बाद दूसरा हाथ रख करके ऐसे धकेलना एक तरफ तो आप देखोगे किनारे से जो किताब का मोटाई है वो थोड़ी सी एक दिशा में खिसक जाएगी तो ठीक यही वाली स्थिति बनेगी आपकी तो ये वाला जो हमारा कोण होता है जिसको हम थीटा कोण कह सकते हैं यही वास्तव में अपरूपण विकृति है तो अपरूपण प्रतिबल लगाने पर जो विकृति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं अपरूपण विकृति तो चलिए उस चीज को समझ लेते हैं तो हमने बताया किसी वस्तु के दो विपरीत पृष्ठों पर विपरीत दिशा में लगाए गए इस पर ध्यान रखना बल ऐसा नहीं लगाना इसमें ऊपर से बल ऐसे ठोक दिया इसमें नीचे से ऐसे ठोक दिया तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका आयतन बदल जाएगा रूप नहीं बदलेगा आपने बल कैसे लगाना है यह इस दिशा में यह वाला इस दिशा में तो यह इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा इसे कहेंगे अपरूपण प्रतिबल तो स्पर्श रेखी कारण उत्पन्न प्रत्यानन बल को अपरूपण या स्पर्श स्पर्श प्रतिबल कहते हैं यात्री क्यों आप इसको स्पर्श इस करते हुए आगे की ओर धकेल रहे हैं ऐसे करते ऊपर से नीचे लंबो तो नहीं लगा रहे हैं। तो ये क्या हो गया अपरूपण या स्पर्श रेखी प्रतिबल हो गया इसके कारण जो विकृति उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं अपरूपण विकृति पृष्ठों के बीच की दूरी और इसको बहुत सी जगह पर अपरूपण विकृति विकृति बराबर होगी ये दूरी डेल्टा एक्स बटे यहां से लेके यहां तक की लंबाई जो कि है एल इन दोनों का अनुपात ये आ गया और ये किसके बराबर है यदि ये, ये थीटा कोण है तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार यानी कि डेल्टा एक्स बटे एल बराबर किसके आएगा टेन थीटा के बराबर आ जाएगा और यदि ये थीटा सूक्ष्म हो तो इसे टेन थीटा को हम क्या कह देते हैं थीटा कह देते हैं तो आपको पता होना चाहिए अपरूपण विकृति डेल्टा एक्स बटे एल या टेन थीटा और यदि थीटा सूक्ष्म है तो थीटा के बराबर होगी इसे कहते हैं अपरूपण विकृति फिर से दिमाग में घंटी बज रही होगी सर मात्रक क्या होगा विकृति चाहे किसी भी प्रकार की हो उसका कोई मात्रक नहीं होता और प्रतिबल का मात्रक क्या होगा प्रतिबल का मात्रक वही होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सब जगह तो क्या होगा यहां पर यदि यह प्रतिबल आप कहेंगे अपरूपण प्रतिबल यहां पे हम लिख लेते हैं अपरूपण प्रतिबल तो सूत्र वही लगेगा एफ अपॉन ए e. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा यह ध्यान रखना तो ये तीन प्रकार के हमने प्रतिबल और तीन प्रकार की आपको विकृति यहां पर समझा दी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया महेश पवार दीपक कुमार बहुत बढ़िया बेटा परफेक्ट बहुत बढ़िया यदि ऐसे ही आप मेहनत करते रहे वो दिन दूर नहीं जब सफलता आपके कदमों को चुभ देखिए हर काम को करने के लिए मेहनत की आवश्यकता है बहुत से बच्चों के दिमाग में यह गलत फहमी है कि जो सफलता होती है वो केवल इंटेलिजेंट लोगों को मिलती है मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूं कि सफलता हमेशा मेहनत करने वालों को मिलती है आप कितने शार्प माइंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप मेहनत करना नहीं जानते तो सफलताओं से हमेशा दूर रहोगे लेकिन अगर आप दिमाग से एवरेज भी हैं माइंड आपका एवरेज भी है लेकिन आप मेहनत करना जानते हो तो आप सफलता को पाक करके ही रहोगे तो मुझे लगता है ये तीनों चीजें होगी होगी आपकी क्लियर अब चलते हैं थोड़ा सा लास्ट में और अपना फाइनल टॉपिक समझते हैं जिसे हम कहते हैं का नियम काफी इंपॉर्टेंट चीज है का नियम का नियम हमें पदार्थों के बारे में डिटेल से जानकारी देता है आखिर क्या कारण है हम इन इन चीजों को पढ़ रहे हैं जितनी भी आपकी हम कह सकते हैं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग होती है यानी कि अभियांत्रिक जो होती है जिसमें हम क्या बनाते हैं पुलों का निर्माण करते हैं घरों का निर्माण करते हैं या रेल की पटरियां बनाते हैं जहां पर वेट पड़ता है चीजों पर उन सब जगहों पर ये इलास्टिसिटी वाला जो प्रॉपर्टीज होती है वो काम करती है यानी कि वहां सब जगह हम हुक के नियम का पालन करते हैं हुक के नियम को अप्लाई करते हैं अरे भाई आप खुद ही सोचिए आप एक मकान बना रहे हो एडवांस में आपने पिलर वाले मकान देखे होंगे लंबे लंबे लोहे के स्तंभ बनाए जाते हैं आखिर जो इंजीनियर होता है ये डिसाइड करता है मकान कितने मंजिल ऊंचा बनना है जितने मंजिल ऊंचा बनना है उसी हिसाब से उसके कॉलम्स उसी हिसाब से उसके जो लेटे हुए बीम होते हैं वो सब बनाए जाते हैं पुल बनते हैं तो उनमें ऐसे आकार के आई के आकार के क्यों बनते हैं ये आई आकार के क्यों बनाए जाते हैं जो प्लेट्स होती हैं इन सब चीजों के पीछे यही वाला चैप्टर हम कह सकते हैं समझ में आता है तो चलिए फिलहाल हुक के नियम को समझते हैं हुक्का नियम कहता है कि लघु विकृतियों के लिए क्योंकि जब हम प्रतिबल लगा करके वस्तुओं में विकृतियां उत्पन्न करेंगे यदि वो विकृतियां ज्यादा नहीं है तो लघु विकृतियों के लिए या दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रत्यास्तता की सीमा के भीतर अब बात आती है प्रत्यास्तता की सीमा क्या होती है आपने रबड़ बैंड को पकड़ के खींचा जैसे जैसे खींचते हो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है लेकिन आप छोड़ते हो वो वापस आ जाता है फिर आपने थोड़ा और बल लगाया थोड़ा और लंबा हो गया तो बल का मान बढ़ाते जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब रबड़ बैंड को खींचोगे तो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएगा उसने अपने प्रत्यास्थता का गुण खो दिया है और उसी को कहते हैं प्रत्यास्तता की सीमा परिभाषा कहेंगे विरूपक बल हटाने पर यदि वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में ना आए तो हम कहेंगे वह जो है प्रत्यास्तता की सीमा से बाहर चले गया विरूपक बल का मान तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है तो हुक्का नियम कहता है प्रत्यास्तता की सीमा के भीतर या लघु विकृतियों के लिए किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल जो प्रतिबल है प्रतिबल है अनुकर्मानुपाति होता है विकृति के जैसे जैसे आप रबड़ बैंड को लेकर थोड़ा सा बल लगाते हो तो उसकी थोड़ी सी लंबाई में वृद्धि होती है तो यानी कि कम विकृति उत्पन्न हुई जैसे बल का मान आपने बढ़ाया लंबाई ज्यादा बढ़ गई यानी कि विकृति ज्यादा उत्पन्न होगी उसी बात को हुक् कह रहा है कि प्रत्यास्था की सीमा के भीतर या लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल विकृति के हमेशा अनुकर्मानुपाति होता है तो यदि अनुक्रमानुपाति का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं यदि हम कहते हैं यह हो गया प्रतिबल बराबर अनुकर्मा का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेंगे आप के ले लीजिए ई e ले लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको हम ले लेंगे मान लेते ई e ले लेते हैं मल्टीप्लाई क्या गया विकृति तो जहां ई e को हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणा प्रत्यास्थता गुणांक गुणां कहते हैं अनुक्रमानुपातिक नियतांक भी कहते हैं तो प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि इलास्टिसिटी या कॉफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी ई बराबर होता है प्रतिबल वटे विकृति प्रतिबल वटे विकृति के बराबर होता है या आप लिख सकते हैं हिंदी में प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल वटे विकृति प्रतिबल बटे विकृति और ये एनसीआर का 9.4 है 9.4 पॉइंट फोर पॉइंट है इसका, इस का। तो प्रतिबल बटे विकृति प्रतिबल का बल बटे क्षेत्रफल एफ अपॉन ए विकृति का जो मात्रक होता है यदि अब विकृति देखिए अलग अलग प्रकार की होगी आपकी लंबाई में वृद्धि भी हो सकती है आयतन में विकृति भी हो सकती है अपरूपण विकृति भी हो सकती है कैसी भी हो सकती है तो नीचे मैं केवल विकृति लिख लूं तो मैं कहूं इनका मात्रक क्या बनेगा तो इसका जो मात्रक बनेगा वो वही बनेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर ही होगा क्योंकि विकृति राशि है तो प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा और विमा आप पहले निकाल चुके हो एम एल माइनस वन टी माइनस टू के ही बराबर होगा बहुत बार आपसे प्रत्यास्तता गुणांक की विमा निकालने के लिए कहा जाता है तो वहां आपको पता होना चाहिए कि ये किसके बराबर होती है ये प्रतिबल की विमा के बराबर होती है इसका मात्र प्रतिबल के ही बराबर होता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया महेश पवार बिल्कुल सही है तो यदि इसकी विमा भी निकाले तो चलिए विमा निकाल लेते हैं तो ई बराबर क्या आ गया प्रतिबल बटे विकृति यानी कि हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और हम कह देंगे इसका मात्रक हो जाएगा एम एल टी माइनस टू बटे एल स्क्वायर और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आ जाता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू और ये किसका मात्रक है प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है ये ये चीज पता होनी चाहिए तो हुक का नियम ध्यान रखना आगे के बहुत सारे हम चीजें हुक के नियम को समझ करके ही करेंगे नियम छोटा सा है लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा अब फटाक से आप लोगों ने के लिए क्या है एक एमसीक्यू हमने दे दिया है कहा कॉम्युनिटी पोस्ट में कॉम्युनिटी पोस्ट में आपका एक एम आ गया है आपने उस एमसीक्यू का आंसर भी देना है चलिए आप उसका आंसर दीजिए साथ में हम चलते हैं आगे प्यारे बच्चों तो ध्यान रखना जिन बच्चों को इस क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहिए या किस सारी क्लासों के पीडीएफ नोट्स चाहिए उनको केवल एक काम करना है हमारे टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल साइंस दीवाने विद्याल को आपने क्या कर लेना है ज्वाइन कर लेना है और वहां पर आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे कहीं कोई दिक्कत होने पर हमारा कांटेक्ट नंबर एट वन टू सिक्स फाइव टू सिक्स टू सिक्स फाइव पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो प्यारे बच्चों यदि आपको ये फिजिक्स अच्छी लग रही है समझ में आ रही है आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए नोटिफिकेशन जो बैल होती है वीडियो के नीचे घंटी बनी हुई है टन टन वाली उसको ऑल पे सेट कीजिए हमारे इस चैनल में जैसे ही कोई हम क्लास स्टार्ट करेंगे आपके पास आधा घंटा पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आधा घंटे बाद क्लास है और क्लास से पहले भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चलेगा कि अब क्लास होने वाली है आपको सूचना जल्दी से मिल जाएगी और प्यारे बच्चों यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट बात या लिंक जरूर कीजिए शेयर कीजिए आप लोगों का प्यार है जो हम यहां पर खड़े हुए हैं वरना हमारे यहां खड़े रहने का क्या काम होता है तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी सभी बच्चों का क्लास को ज्वाइन करने के लिए अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप इसी प्रकार से पढ़ते रहे तो आप निकट भविष्य में जो आपकी इच्छाएं हैं सफल होने की वो जरूर आपकी पूरी होगी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए गुड बाय टेक केयर